हिमाचल प्रदेश के सुन्नी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की चौथी सालगिरह बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर जी ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश, जालंधर से राजयोग शिक्षक बीके सुरेंद्र, उप सेवा केंद्र के निदेशक बीके रेवादास भाई, प्रभारी बीके शकुंतला बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए 100 गांवों के 800 से भी अधिक लोगों को राज्यपाल जी ने संबोधित करते हुए कहा कि सुन्नी के आसपास के 100 गांवों तक लोगों को व्यसन मुक्त बनाने में जिन ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों ने सहयोग दिया है वो प्रशंसा के पात्र हैं। परमपिता की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है जो मुझे इस यहाँ आने के लिए संचालित कर रही है, मुझे प्रेरणा दे रही है। उसी शक्ति के कारण मैं यहाँ आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। भारत विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं और हर एक देश का अस्तित्व कुछ कारणवश होता है। हमारे देश का अस्तित्व किस कारण है? पूरे विश्व के गुरु बनने के हम योग्यता रखते हैं, कभी थे भी हम, परंतु पिछले कुछ 1200 वर्षों से हमारी इस आध्यात्मिक और हमारी प्राथमिकता जो थी उस आध्यात्मिक शक्ति को भी उस पर आघात करने का प्रयास हुआ। हालांकि यह शक्ति ऐसी वैसी नहीं है, हमारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति इस देश की वास्तविकता जो पहचान है वो आध्यात्मिक शक्ति ऐसे आघातों से परास्त होने वाली नहीं थी। कुछ समय ऐसा लगा हम सबको कि हम परास्त हो चुके हैं, हम सब कुछ रास्ता भूल चुके हैं, परंतु उस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने वाली परमपिता ने कुछ यहाँ ऐसी हस्तियां या इस देश पर भेजी, इस भूमि पर आ गए। हर एक ने अपने अपने प्रयास किए और इस देश की इस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू हो गया। हर एक ने अपने अपनी संविदा दे दी इसमें, अन्यथा यज्ञ संभव नहीं था। तो इस यज्ञ में अनेक लोग संविदा देने के लिए आतुर थे। इन सब लोगों की इस अभिलाषा को जानकर बाबा जी ने इस कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया। इसको एक दिशा में लेने की आवश्यकता थी। 1937 में बाबा जी ने इस कार्यक्रम का, इस अभियान का चलन वलन शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक इस देश की आध्यात्मिक शक्ति को लेकर आगे बढ़ने का जो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है वो केवल अपने देश में नहीं है, विदेश में भी फैल चुका है। जैसे कि बताया गया 147 देशों में इसकी विभिन्न इसके सबकी यज्ञ की संविदाएं पड़ रही हैं, आ रही हैं। हमारे देश की, हमारे इस देश की जनता की एक विशेषता रही है, हम भौतिक जगत से जो कि हमको अच्छे भवन चाहिए, मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस होना चाहिए, बहुत पैसा आना चाहिए और लोगों ने मुझे श्रीमंत कहना चाहिए, ऐसा कहने के लिए इस देश के लोग जीते नहीं। इसलिए जब भगवा वस्त्रधारी रास्ते से गुजरता है तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ते हैं, उनके सामने हम नमन करते हैं। यही शक्ति है इस देश की। इस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता थी। 1947 में हमको राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, जिसकी हम यहां अमृत महोत्सव आज कल मना रहे हैं, परंतु उस समय हमारी जो नैतिक शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति थी,
उस वह सामर्थ्य को हम पहचान नहीं पाए थे, आगे नहीं ले पाए। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था, दुनिया भर के सभी लोगों को लगता था कि भारत अब स्वतंत्र हुआ है तो भारत सब लोगों के लिए, विश्व के लिए कुछ मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य रखता है तो आगे आकर ऐसा मार्गदर्शन करेगा। परंतु हमारी उस समय की राजनीतिक शक्तियों ने इसको समझा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। और आज हमको लगता है कि उस भावना को उस समय अगर जागृत करते तो हमारी अवस्था इतनी बुरी नहीं होती। पूरा विश्व हमारे यहां ताक रहा था, देख रहा था, परंतु हम सबके सद्भाग्य से, सौभाग्य से पिछले कुछ वर्षों से एक नया परिवर्तन, नई सोच इस देश में आने लगी है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होने लगा है और यही भारत की आत्मिक शक्ति जो है वो पूरे विश्व को लेकर हम वहां जाएंगे, तब हम विश्व के गुरु सही अर्थ में कहलाएंगे। अपने उद्बोधन के बाद राज्यपाल जी ने उन सभी लोगों को प्रमाण पत्र देकर हौसला अफजाई भी की। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने ईश्वरी सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आज के इस सम्मेलन में इस सुन्नी निवासी भाई बहनों के लिए एक ही प्रतिज्ञा है कि हम अगर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, परिवार को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा, तब जाकर के हमको विश्व को बदलना है।